खबर हल्द्वानी से। कालादूंगी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सुंदरलाल आर्य पर गरीबों की जमीन कब्जाने और सूर्यज्वाला गांव में आतंक मचाए जाने से त्रस्त दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नैनीताल जिले के सूर्यज्वाला गांव में सुंदरलाल ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। अनाथ बेसहारा गरीबों की भूमि पर जबरन कब्जा करके उसने गांव में आतंक फैला रखा है। उसकी हरकतों के कारण कई लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। ग्रामीणों ने दबंग के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ताल से संबंधित एक गांव है सूर्या गांव जाला, उसमें किसी एक व्यक्ति की शिकायत इनके द्वारा की गई है ज्ञापन के माध्यम से कि उस व्यक्ति के द्वारा कई व्यक्तियों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं और साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध एक ज्ञापन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। मेरे द्वारा इस ज्ञापन को उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक प्रेषित कर दिया जाएगा।